हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडियोमास। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग ग्रेट। सो टुडे वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर 24th लेक्चर ऑफ फसाई। तो इस लेक्चर में हम अपने जो प्रीवियस लेक्चर में हमारा बच गया था उसको कंटिन्यू करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस क्या कर रहे थे कि द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड सेफ्टी एंड मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर हमने थोड़ा सा पार्ट जो था वो डिस्कस कर लिया था। उसके आगे हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप हमारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज Ideomask1008। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कोर्स तो आप हमें मेल कर सकते हैं थ्रू आर मेल आई डी, दैट इज Ideomask1008। तो टाइम ना वेस्ट करते हैं, चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे HACCP, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा हमने इसको डिस्कस किया था, है ना। तो अभी हम इसका जो आगे का पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो HACCP क्या है? ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेक्निक है जिसको कि हम हमारा जो कंटेमिनेशन होता है फूड चेन में, जो हम सप्लाई चेन फॉलो करते हैं उसके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से उसका प्रिवेंशन करना है, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल फॉर्म में हो रहा हो, केमिकल हो या फिजिकल हो, कंटेमिनेशन किसी भी फॉर्म का हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हम टेक्निक फॉलो अप करते हैं वो सारी किसके अंदर हम मानते हैं, हम हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के अंदर, ठीक है। अब जो हमारा HACCP है ना, इसको हम एक बहुत ही वाइटल एक तरह से पॉइंट मानते हैं किसके अंदर, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है हमारा, ये थ्रू आउट द चेन हम इसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये जो सिस्टम होता है HACCP, ये थ्रू आउट द चेन अप्लाई होता है। मतलब आप जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जैसे जो कि आप फील्ड से जो हम फूड ले रहे हैं उससे लेके जब तक वो कंज्यूमर तक पहुँचता है, उस पूरी की पूरी चेन के अंदर हमारा अगर कहीं पर भी फूड कंटेमिनेट होता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं उसके कौन कौन सी चीज़ फॉलो की जाती है, HACCP फॉलो की जाती है, ठीक है। मतलब HACCP जो सिस्टम है वो प्रॉपर एक मतलब अपनी टेक्निक्स फॉलो अप करता है, मेजर कंट्रोल मेजर्स फॉलो अप करता है, जिससे कि जो फूड की सेफ्टी है वो थ्रू आउट द फूड चेन फॉलो अप की जाए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे स्पेसिफिक हजार्ड्स के। तो वो सबसे पहले कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजिकल। माइक्रोबायोलॉजिकल में क्या होता है, जितने भी हमारे बैक्टीरिया वायरस या पैरासाइट जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे फूड को कंटेमिनेट करती हैं उसके लिए मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट रोल लेना उसके प्रिवेंशन के लिए। दूसरा आता है केमिकल, जैसे भी कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि हमारा डायऑक्सीन, हैवी मेटल्स, एंटी फंगल या पेस्टिसाइड्स वगैरह, जो जो भी केमिकल सब्सटेंस हमारा फूड को कंटेमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो उसके लिए हमारे प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। तीसरा आता है फिजिकल। फिजिकल में हमारा क्या हो सकता है, जैसे कोई भी शार्प पार्टिकल जैसे ग्लास, ब्रोकन ग्लास हो जाता है, मेटल कोई डल गया, कोई वुड है, कोई कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल जो मतलब खाने के लिए ठीक नहीं है, मतलब अनफिट टू ईट है, वो सारे फिजिकल सब्सटेंस को हम क्या है उसके प्रिवेंशन के लिए कि वो हमारे फूड को ख़राब ना करें, क्योंकि उससे हमारे मतलब हेल्थ रिस्क है ना कंज्यूमर को। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल जो कि HACCP जो है वो फॉलो करता है। तो 7 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। सबसे पहला आता है हमारा कि हमें एक हजार्ड एनालिसिस को कंडक्ट करना है जिससे कि हम ये देख पाएं कि कैसा मतलब हमारी जो हजार्डस कंडीशन होने वाली है, मतलब कैसा पोटेंशियल होने वाला है, किस तरीके की फूड प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसके अंदर हमारे जो है फूड का कंटेमिनेशन या फूड के स्पॉयलेज की मतलब एक दिक्कत आने वाली है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमें उस हजार्ड को एनालाइज भी तो करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला स्टेप होता है एनालाइज करना। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जो हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे जो हजार्ड है, जो जो आप ये लगा लीजिए पोटेंशियल हजार्ड है, वो अकर कर सकता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टेप्स उठाने पड़ेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पे हमारे पोटेंशियल हजार्ड जो है वो अकर होता है और उसके बाद उसका प्रिवेंशन किया जाता है, उन पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना हमारा सेकेंड स्टेज आ जाती है, सेकेंड स्टेप आता है। उसके बाद आता है एस्टेब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स। हमें फिर क्रिटिकल लिमिट्स को एस्टेब्लिश करना है क्योंकि वो हमें एक प्रिवेंटिव मेजर्स देगी हर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के लिए, हर CCP के लिए हमें एक क्रिटिकल लिमिट सेट हो जाएगी हमारी, जिससे कि हम उसके दायरे में रह के उस लिमिट में रह के ही अपने जो भी हमें हमारे प्रिवेंशन या कंट्रोल करना है उसको मेट करेंगे, ठीक है, उससे उस चीज़ पे पहुंच पाएंगे। तो यही है इसका, जो क्रिटिकल लिमिट होती है ये क्राइटेरिया है जो कि हम हर कंट्रोल पॉइंट जो है हमारा क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उसके लिए फॉलो अप करते हैं। जब भी हमारा कहाँ पे अप्रोप्रिएट क्रिटिकल लिमिट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी किसी भी मतलब किसी भी कंट्रोल पॉइंट पे, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पे, और ये हमारा जो जो भी हमारे जो रेगुलेशंस है या टॉलरेंसेस हैं, जैसे FSIS जो रेगुलेशन है हमारा,
फूड सेफ्टी एंड इंस्पेक्शन सर्विसेज, और उसके बाद दूसरा हमारा FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारा, ये इसके अंदर हमारे जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अंदर जो लिमिट सेट हैं कि भाई हमें एक अप्रोप्रिएट और लिमिटेड मेथड फॉलोअप करना है फॉर द प्रिवेंशन, उस चीज़ के लिए जो लिमिट सेट होगी उसको हम क्रिटिकल लिमिट कहते हैं, जो कि हर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है CCP मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट। CCP मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट क्या इंश्योर करती है कि जो हमारे क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है वो विद इन लिमिट रहें, ठीक है। वही चीज़ जो हमने पहले पहला स्टेप किया था क्रिटिकल लिमिट्स को एस्टेब्लिश करना, तो वही हमारा जो CCP मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट है हमें उसको एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये हमें क्या है एक तरह से मॉनिटर करेगा, एक वॉच रखेगा कि हाँ जो भी हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो बना रहे हैं, जहाँ पे भी हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे खतरा है हमारे फूड के कंटेमिनेशन का खतरा है, या हमें अपना प्रिवेंशन करना है फूड का, तो उसके वॉच के लिए हमें CCP मॉनिटरिंग की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। मॉनिटरिंग में रिक्वायर मटेरियल और डिवाइसेस टू मेजर और अदरवाइज इवेल्युएट द प्रोसेस ऑफ CCP, मतलब CCP पे हमारा क्या है कि हमें हमारे जो मटेरियल है या जो भी डिवाइसेस हैं जो भी हमें रिक्वायर होंगे मॉनिटर करने के लिए उनको देखने की ज़रूरत है, ठीक है। वही हमारा क्या है मेजर करेंगे हमारा जो भी हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं CCP। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब हमने मॉनिटर कर लिया कि भाई CCP जो पॉइंट्स हैं हमारे, CCP जो थी हमारे जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट है उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटर करने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि जो CCP पॉइंट हमने मतलब जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट हमने एस्टेब्लिश किया था वो विद इन लिमिट्स नहीं है, ठीक है, जो हमने लिमिट एस्टेब्लिश करी है उसके अंदर नहीं आता है, तो उस केस में हमारा क्या है कि हमें करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो उन्हीं एक्शंस की वजह से हम क्या कर पाएंगे, उन करेक्टिव एक्शंस की वजह से हम वहाँ पे अपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश कर पाएंगे जहाँ पे हमें हेल्थ हजार्ड को रोकने की ज़रूरत है, ठीक है। तो करेक्टिव एक्शंस जो है वो उस चीज़ का करेक्शन करते हैं जो कि हम CCP पॉइंट्स अगर हमने गलत लगा दिए हैं, जो विद इन लिमिट्स नहीं आते हैं, जो हमने लिमिट एस्टेब्लिश करी है उसके दायरे में नहीं है वो, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हमें करेक्टिव एक्शंस को एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एस्टेब्लिश इफेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। तो जो भी चीज़ें हम फॉलो अप कर रहे हैं, CCP पॉइंट बना रहे हैं, लिमिट सेट कर रहे हैं, फिर उसका करेक्टिव एक्शंस ले रहे हैं उसके लिए, तो इन सब चीज़ का रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें ये पता चले कि जो हमारा HACCP सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो उसके अंदर हमारे रिकॉर्ड रखने की क्या मतलब जो हम रिकॉर्ड रखेंगे जैसे CCP मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एक्टिविटीज़, डेविएशन रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर रखेंगे जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग, मतलब वेरीफाई करने के लिए हमने रिकॉर्ड कीपिंग करी हुई है, लेकिन अगर हमें कभी ऐसा हो जाए कि भाई हमें किसी डॉक्यूमेंट्स को निकालने की ज़रूरत है, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमारा मतलब जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए जाते हैं वेरीफाइंग के। उसके अंदर हम क्या रिव्यू कर सकते हैं, जैसे HACCP का प्लान क्या है, CCP रिकॉर्ड्स को, क्रिटिकल लिमिट्स को, ठीक है, ये और बाकी जो भी हम माइक्रोबियल सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो भी हम सैंपल्स कंडक्ट कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के लिए हम क्या है एक जो प्रोसीजर्स फॉलोअप किया जा रहा है उनको वेरीफाई करने के लिए भी हम प्रोसीज वो एक एस्टेब्लिश करते हैं, एक फॉर्मेट एस्टेब्लिश करते हैं। अब हमारा आता है बेनिफिट्स क्या क्या हैं हमारे HACCP को फॉलो अप करने के, सिस्टम या इस टेक्निक को फॉलो करने के। सबसे पहला तो कि एक रैशनल अप्रोच है जिससे कि हम जो हमारा हजार्डियस कंडीशंस हैं फूड के अंदर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं इजीली। उसके बाद दूसरा हमारा आता है कि जितनी भी हमारी इंस्पेक्शनल अप्रोच में जो वीकनेसेस होती है ना उसको अवॉइड करने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये जो सिस्टम है, ये जो टेक्निक्स फॉलो अप कर रहा है, उसके अंदर कहीं पर भी चांसेस नहीं है कि हमारे इंस्पेक्शन में कोई भी ऐसे कोई कमी रहे, ठीक है। तो वही इंस्पेक्शनल अप्रोच की जो वीकनेसेस हैं उनको बहुत हद तक कम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि वो जो मतलब हमारा एक तरह से हमारी जो सेफ्टी है फूड की, फूड चेन की, वो उसके अंदर जो फोकस है हमारा वो हर फैक्टर पे मतलब डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी सेफ्टी के ऊपर। मतलब फूड चेन की जितनी भी स्टेजेज हैं, कंज्यूमर से लेके प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक जितनी भी हमारी स्टेजेस हैं उन सब पे फोकस किया जाता है अंडर HACCP, ठीक है। ये फूड सप्लाई के अंदर कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करता है, क्योंकि हर स्टेज पर हम क्या है एक तरह से अपनी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, अपने फूड के अंदर जो कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम है या हजार्डियस कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं उन सबको चेक किया जा रहा है हर स्टेज पे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है वो फूड सप्लाई के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि हमारा इसकी वजह से, इस टेक्निक को यूज़ करने की वजह से हमारा जो मार्केट एक्सेस है वो भी इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी? क्योंकि हमारा जो वेस्टेज ऑफ फूड है वो बहुत हद तक कम होगा। जब वेस्टेज ऑफ फूड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी कम होगी और मार्केट में एक्सेस जो है वो इजीली इंक्रीज हो पाएगा।
उसके बाद हमारा है कि इट्स एप्लीकेशन रिड्यूस रिस्क ऑफ फूड बॉर्न डिजीज। ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि हमारा ये देख ही ये चीज़ रहा है कि हमारे जो फूड के अंदर जो एक तरह से माइक्रोबियल, फिजिकल या केमिकल कोई भी जो हजार्डस कंडीशंस आने वाले हैं वो सबको हम प्रिवेंट कर सकें। अब नेक्स्ट हमारा आता है GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस क्या है, ये एक बेसिक ऑपरेशनल या एनवायरमेंटल कंडीशंस के लिए जो हमें ज़रूरत होती है किस चीज़ को, हमारा जो फूड है उसको प्रोडक्शन के टाइम पे सेफ्टी प्रोवाइड करने की, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये जो सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस भी हो और दूसरा उसके अंदर कोई भी जो क्वालिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, मतलब हमारी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो के हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। ठीक है, इस चीज़ को इंश्योर करना किसका काम होता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का काम होता है। ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, ये जो मेथड या ये जो ऑपरेशनल थिंग है हमारी, ये जो कंडीशन फॉलोअप की जाती है वो इस तरीके से फॉलोअप की जाती है कि हमारा जो रिस्क है प्रोडक्शन के टाइम पे उसको मतलब मिनिमाइज किया जाए। किस तरीके से, कि हमारा जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट के अंदर हम टेस्टिंग नहीं कर पाते उस चीज़ को हम कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के ड्यूरेशन में ही उस चीज़ को एक तरह से नोटिस कर ले और उसको नोटिस करने के बाद उसको इरेडिकेट कर दे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जो हमारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है वो हर एस्पेक्ट में, प्रोडक्शन के हर एस्पेक्ट में क्या है यूज़ किया जाता है, चाहे वो हमारा मटेरियल से शुरू हो, प्रेमिसेस को हो, इक्विपमेंट जो यूज़ हो रहे हैं, उसके बाद जो पर्सनल हाइजीन है स्टाफ वगैरह की, जो सबको इंक्लूड करता है। प्रोडक्शन के टाइम पे हमारा मान लीजिए एक पूरा का पूरा सेटअप है, उस सेटअप के अंदर की प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है पूरा जहाँ पे वो बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रेमिसेस, उसके बाद जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें, और उसके साथ जो लोग उसमें काम कर रहे हैं सबको एक तरह से इंक्लूड करता है, GMP के अंदर सबको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा जो एक तरह से कंटेमिनेशन हो सकता है या फिर जो हमारे फूड की जो सेफ्टी की बात आती है उसके अंदर सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, थी? तो इसलिए GMP जो है वो हर एस्पेक्ट को कवर करता है। GMP की जो गाइडलाइन है वो ये प्रोवाइड करती है कि मैन्युफैक्चरिंग के, टेस्टिंग के, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारा फूड है, फूड या फिर जो ड्रग प्रोडक्ट है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए एकदम प्रॉपर हो, सेफ हो। ठीक है, तो GMP की जो गाइडलाइंस हैं उनके अंदर ये प्रॉपर गाइडेंस दी गई है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग की जाती है, किस तरीके से क्वालिटी जो है उसकी एश्योरेंस दी जाती है, जिससे कि हमारा जो फूड है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंदर फॉलोअप किए जाते हैं। तो सबसे पहला है स्टेप बाय स्टेप रिटर्न प्रोसीजर। तो हमारा जो भी प्रोसीजर फॉलोअप होता है ना प्रोडक्शन के लिए वो रिटर्न डाउन होना चाहिए, क्योंकि उसको अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन रिटर्न दे देंगे तो उससे क्या होगा, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और वो उसको जो वो प्रोसीजर फॉलोअप कर रहे होंगे अपने काम के लिए उसमें भी वो उसको इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए हमारा जो प्रोसीजर है उसको इन रिटर्न फॉलोअप करना चाहिए। फॉलो प्रोसीजर, रिटर्न प्रोसीजर आर टू बी कंसाइज एंड लॉजिकल। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा दे दिया आपने और वो उसको पढ़ने में या फिर उसमें उनका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा, उस पर पढ़ ही नहीं रहे। तो इसलिए वो क्या है, कंसाइज और लॉजिकल होना चाहिए जिससे कि वो इजीली उसको फॉलो अप कर पाए और समझ पाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वैलिडेट वर्क। जो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं प्रोसीजर के अंदर, जो भी हम एक्टिविटी हमारी बन रही है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए एक तरह से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एस्टेब्लिश करना, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जिससे कि हम कभी भी किसी भी स्टेज पे अगर एक तरह से फिर से रिव्यू करना चाहें अपने किसी भी स्टेप पे प्रोडक्शन को, तो हम वहाँ पे उसको रिव्यू कर पाएँ। तो इसलिए हर स्टेज के लिए हमारे पास प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने चाहिए जिससे कि हम जो हमारा एक तरह से क्लियर रहे, हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारे माइंड में वो चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, उसके बाद आता है मेंटेन फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स। तो प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए इक्विपमेंट और फैसिलिटीज़ का विद वैलिड डॉक्यूमेंटेशन बैकिंग द डिटेल्स, मतलब डिटेल्स सारी मेंशन होनी चाहिए इन द डॉक्यूमेंट्स, और जो हमारे प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए हमारे इक्विपमेंट्स की या फैसिलिटीज़ की। ठीक है, जिससे कि हमारी जो फूड सेफ्टी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके, क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके और कोई पोटेंशियल इशू जो है वो क्रिएट ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिफाइन, डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंसी। तो एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म करना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोड्यूस करें वो इतनी अच्छी मतलब सेफ और एफिशिएंट हो चुकी जिससे कि वो कॉम्पिटेंस क्रिएट करें। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेक क्लीनलीनेस आर डेली हैबिट, कि हमें जो मतलब अपना जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एक प्रॉपर हाइजीनिक और सैनिटाइज कंडीशंस में होना चाहिए, वो हमारे लिए एक डेली हैबिट होनी चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसमें कोई कंटेमिनेशन क्रिएट ना हो, तो एक प्रॉपर गुड हाइजीनिक कंडीशंस रहनी चाहिए। ठीक
ठीक है। उसके बाद है बिल्ड क्वालिटी इन टू द प्रोडक्ट। तो हर स्टेप पे हमें ये चीज़ देखने की जरूरत है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस साइकिल के अंदर हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हमारी क्वालिटी है उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो रहा हो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से लेके पैकेजिंग, लेबलिंग, मतलब पूरी होल प्रोसेस में जो प्रोडक्शन है या मैन्युफैक्चरिंग की जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर हमें हर स्टेप पे ये चीज़ प्रॉपर ये चीज़ मेंशन होनी चाहिए कि हम उसको ये अश्योर होना चाहिए कि हम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कंडक्ट कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट। तो हमें प्रॉपर ऑडिट जो है वो कंडक्ट करने चाहिए, प्लान और पीरियडिक ऑडिट्स होनी चाहिए, उससे हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपरली उस वो अच्छे से रहेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको एक विजुअल मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है ये एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जो कि ये जनरली किया जाता है, जिसमें कि हमारा जो वेरीफाई किया जाता है वो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी के थ्रू, मतलब थर्ड पार्टी ऑडिट के थ्रू किया जाता है वेरीफाई, जिसमें कि हमारे जो इस चीज़ को श्योर किया जाता है कि जो भी हमारा फूड है, जो भी एग्रीकल्चर से अवेलेबल हो रहा है हमारा, उसके अंदर हम फूड सेफ्टी प्रैक्टिसेस को फॉलोअप कर रहे हैं, ठीक है। जीएपी जो ऑडिट्स होते हैं वो फोकस करते हैं जनरली बेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे, जिसमें कि वो वेरीफाई करते हैं कि जो भी फ्रूट या वेजिटेबल प्रोड्यूस हुई है वो अच्छे से प्रोड्यूस होके फिर पैक होके अच्छे से हैंडल करी जा रही है, जो स्टोरेज हो रहा है वो भी एक अच्छी कंडीशन में, हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशन में हो रहा है, जिससे कि वहाँ पे माइक्रोबियल जो रिस्क होता है वो कम से कम रहे। जो भी हमारा मतलब हजार्डियस कंडीशंस हो सकती हैं उनको हम उनसे हम गेट रेड ऑफ हो सकें, क्लियर। अब प्रिंसिपल जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक तरह से इन्वॉल्व होते हैं वो सबसे पहला हमारा फूड सेफ्टी, दूसरा है मिनिमम इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, की एनवायरनमेंट पे भी उस चीज़ का बहुत कम इम्पैक्ट पड़े, और मिनिमम इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ द फार्म वर्कर्स, और जो भी मतलब फार्म में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी हेल्थ के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो जब मतलब हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो अप की जाती हैं तो उसमें फूड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है, फिर एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है, और तीसरा हमारे जो फार्म वर्कर्स उसमें जो काम कर रहे हैं हमारे वर्कर्स उसके लिए भी उनकी हेल्थ को भी प्रॉपर प्रायोरिटी दी जाती है। नेक्स्ट अब हमारा आता है जीएचपी, गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस। तो आपको पता है ये एक फंडामेंटल मेजर है हमारा या फंडामेंटल कंडीशन है जो कि हमें फूड चेन के अंदर यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो फूड है वो एक तरह से सेफ और सूटेबल रहे खाने के लिए, कि और हाइजीनिक कंडीशन या सैनिटरी कंडीशन तो एकदम मस्ट है। तो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस क्या है, ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि हमारे फूड को कंटेमिनेशन होने से रोकती हैं और हमें कंज्यूमर तक एक सेफ फूड पहुँचाने में हेल्प करता है। फूड बॉर्न इलनेस जो होती है वो रिजल्ट होता है हमारा फूड जो कंटेमिनेट होता है उसी का ही। तो और वो फूड कंटेमिनेट क्यों होता है, क्योंकि वो लैक करता है बहुत सारी एनवायरमेंटल हाइजीनिक या फिर जो एक सैनिटरी कंडीशंस होती हैं वो, क्योंकि वो एनवायरमेंटल हाइजीन नहीं होता, पूरा सैनिटेशन होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इनअप्रोप्रिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कंटेमिनेट होता है फूड, और उससे फूड बॉर्न इलनेस जो है वो एक प्रोड्यूस होती है। हमारी जो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं वो सेफ्टी और सूटेबिलिटी के साथ ही डील करती हैं, और ये जो गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस हैं जीएचपी जो है वो वर्ल्ड वाइड फॉलोअप किया जाता है। जीएचपी के अंदर जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो उसमें हमारे जो मेजर्स फॉलोअप किए जाते हैं या जो भी कंडीशंस फॉलोअप किए जाती हैं उन सबको कौन इंश्योर करता है, जीएचपी इंश्योर करता है कि हमारा जो फूड है वो कंटेमिनेट ना होके एकदम हाइजीनिक और सैनिटरी कंडीशंस में हमारा जो फूड है वो ट्रांसपोर्ट हो, और थ्रू आउट द चेन इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। फूड चेन जितनी भी फॉलो की जाती है फूड सप्लाई चेन के अंदर पूरी तरीके से ये इस चीज़ पर फोकस किया जाता है कि प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस हो। अब आता है हमारा बेस्ट एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस। तो बीएपी जो है हमारा बीएपी सर्टिफिकेशन ये एनेबल करता है कि जो एक्वाकल्चर फार्म्स हैं हमारे, हैचरीज हैं या प्रोसेसिंग प्लांट्स या फीड मिल्स जो हैं वो उनके अंदर जो हमारा जो फूड है उसके लिए प्रॉपर, जो जैसे हमारा जो सी फूड जो रेज किया जाता है या फिर जो भी हम प्रोसेस्ड फूड करते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोअप किए जाएँ। बीएपी जो है वो वर्ल्ड जो है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी एग्रोकल्चर एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन सोल्यूशन है, जो कि जितने भी हमारे जो प्रोडक्शन चेन है उसके अंदर हमारे चाहे फार्म हो, चाहे प्रोसेसिंग प्लांट हो, हैचरी हो, फीड मिल हो, इन सबको इंक्लूड करता है, ठीक है। हैचरीज होती है जिसमें से हम एग एक्वायर करते हैं ना, पोल्ट्री फार्म जो होते हैं वहाँ से, ठीक है, या फिर हम फिश वगैरह के कलेक्शन को, तो वो हमारा जो प्लेस है उसको हैचरी कहते हैं। उसके बाद फीड मील्स क्या होती है कि जनरली जहाँ पे हम लाइफ स्टॉक का जो फूड है उसको रखते हैं, तो वहाँ पे भी हमें प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन या प्रॉपर जो कंटेमिनेशन से बचाने के लिए प्रॉपर सेफ्टी फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलोअप किया जाता है, जिससे कि क्योंकि कई आपने देखा होगा कि बहुत लोग सी फूड जो खाते हैं ना, तो सी फूड जो है उस वो अगर सी फूड जैसे भी आप लगा लीजिए जो भी हमारी फिशेज वगैरह होती हैं या फिर जो हमारे क्रस्टेशियन जो हमारे होते हैं
क्रस्टेशियन जो जैसे लॉबस्टर क्रैब ये सारी जो हमारे एक तरह से होते हैं सी जो एनिमल्स होते हैं हमारे, वो अगर कोई ऐसी चीज़ खा लेंगे जो कि टॉक्सिक है ठीक है, और वो ह्यूमन कंजम्पशन के बाद उसके लिए टॉक्सिक हो जाए, तो इसलिए हमें इस बहुत ज़रूरत होती है कि वहाँ पे भी हम प्रॉपर जो फूड सेफ्टी मेजर्स हैं उनको फॉलो अप करें। तो BAP जो है, BAP सर्टिफिकेशन जो है वो इसी चीज़ को इंश्योर करता है ठीक है। BAP जो है फिनफिश एंड क्रस्टेशियन फार्म स्टैंडर्ड्स कवर अ मल्टीट्यूड ऑफ स्पीसीज। तो फिनफिश के अंदर हमारी जो फिश वगैरह आती है जैसे सैलमन वगैरह, ये हमारी जो फिशेज हैं वो सब आती हैं फिनफिश के अंदर ठीक है, फिन्स वाली। उसके बाद क्रस्टेशियन जो होते हैं, क्रस्टेशियन हमारे होते हैं जैसे जो क्रैब लॉबस्टर वगैरह जो होते हैं ये सारे हमारे आते हैं क्रस्टेशियन के अंदर। तो ये इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज को इंक्लूड किया जाता है, और इसमें ये चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि हमारा जो फूड है जो जो सी फूड है हमारा, या फिर जो हमारे हैचरी है या प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं या फीड मील्स हैं, इन सब की जो है प्रॉपर फूड सेफ्टी मेजर्स को फॉलो अप किया जाए। ये BAP सर्टिफिकेशन इस चीज़ को इंश्योर करता है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। अब मिलेंगे नए लेक्चर में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।